आज हम प्लान देखेंगे 16 फीट बाई 16 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 16 फीट का है और जो ब्रेथ है वो भी 16 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है इसके अंदर हमको दो साइड रोड मिलेंगे, एक फ्रंट साइड रोड मिलेगा और एक ये बैक साइड में रोड मिलेगा। तो दो साइड आपको रोड मिलेंगे तो दो साइड से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा, एयर मिल जाएगी और लाइट मिल जाएगी। और हाँ गाइज, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है यहाँ 16 फीट के साइड से, तो 3 फीट के डोर से हम अंदर जाते हैं हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज है वो 8 फीट इंटू 15 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 8 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 15 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए दो विंडो दी है, एक विंडो हमारी यहाँ पे, ये खिड़की हमारी ये फ्रंट साइड में खुलेगी और एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि बैक साइड में खुलेगी। हॉल के यहाँ कॉर्नर में डोर दिया है 2 फीट 6 इंच का, इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 4 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 4 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 7 फीट का है। तो बेसिकली जो स्टेयर्स है हमारी सीढ़ियाँ, उसके नीचे की जगह को हम यूज करने वाले हैं टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दी है, तो ये खिड़की हमारी यहाँ बैक साइड में खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। यहाँ हॉल के बाजू में ये 3 फीट का पैसेज है, इसे हम अंदर जाएंगे किचन के अंदर। किचन का जो साइज है वो 7 फीट इंटू 7 फीट 2 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 7 फीट 2 इंच का है। किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दी है और किचन के अंदर ही हमने प्रोवाइड किया स्टेयर सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो गाइज हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान समझा देता हूँ। तो गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम ऊपर स्टेयर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे, तो ये सामने दरवाजा दिया है 3 फीट का, इसे हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम का जो साइज है वो 15 फीट इंटू 7 फीट 2 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 15 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 7 फीट 2 इंच का है। बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है फ्रंट में, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम के अंदर आप यहाँ पे एक डबल बेड बड़ी से आराम से लगा सकते हैं और इस कॉर्नर पे आप कबर्ड लगा सकते हैं। अगर आपको फर्नीचर अरेंजमेंट जानना है तो इसके बाद में इसका 3D वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वो भी जाके देख लेना, तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पैसेज है सीढ़ियों के आगे, इसके सामने यहाँ पे ये दरवाजा दिया है 2 फीट 6 इंच का, इसे हम अंदर जाएंगे। एक छोटा सा बेडरूम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसका जो साइज है वो 6 फीट 8 इंच इंटू 10 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 6 फीट 8 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 10 फीट 6 इंच का है। बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है बैक साइड में, तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। इस बेडरूम में आप यहाँ पे एक बेड लगा सकते हैं, अगर आपको छोटा सा कबर्ड लगाना है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड भी लगा सकते हैं। और बेडरूम के अंदर हमने प्रोवाइड किया है WC प्लस बाथ एरिया, तो ये दरवाजा यहाँ पे दिया है 2 फीट 6 इंच का, इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 3 फीट इंटू 8 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 3 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 8 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो गाइज ये जो मैंने प्लान बनाया है, एक हमारे सब्सक्राइबर है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया है। गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।